नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और शिव विधानसभा इस समय हॉट सीट बनी हुई है। उसका कारण ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो समीकरण है वो राजपूत में कहे तो यहाँ पर तीन कैंडिडेट है, बीजेपी से प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा और RLP से जालम सिंह रावलोत, निर्दलीय यहाँ पर रविंदर सिंह भाटी, जिन्होंने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते थे। JNU में वो छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, अब वो अपनी ही विधानसभा शिव विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी है। वहीं उनके सामने अगर देखें तो फतेह खान निर्दलीय है और कांग्रेस से अमीन खान, जिनकी उम्र 84 वर्ष है, 84 साल के अमीन खान जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए ये शिव विधानसभा है इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कहा जाता कि कौन जीत सकता है, क्योंकि समीकरण है वो हर दिन बदल रहे, हर दिन नई अपडेट जो है देखने को मिल रही है। आज रविंदर सिंह के काफी समर्थक है तो हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मेघुदान बारट राजडाल। अच्छा मेघुदान जी, क्या लगता है शिव विधानसभा में, क्योंकि शिव विधानसभा में ये देखा जाता है 1980 से कि एक बार बीजेपी आती है तो एक बार कांग्रेस आती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, 60 साल हम वोट दे रहे आए हैं पार्टी के पीछे, पार्टी में हमारे को ऐसे ही मिल रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, धरातल पर किसान परेशान है, सब जनता परेशान है। हमारे को गरीबनाथ जी ने, माँ करणी ने एक कोहिनूर हीरा भेजा है। सब भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बूथ पर मतदान कराकर 100% मतदान कराना है, भाई रविंदर को मजबूत बनाना है। पहले आप कौन सी पार्टी में थे जी? हम बीजेपी में बीजेपी को वोट देते आए हैं, लेकिन बीजेपी बिक गई सर। बीजेपी कहाँ है, पार्टी खुद बिक गई है, अच्छे अच्छे लोगों की टिकटें काट कर दूसरों को टिकटें दे रही है। क्यों अच्छा ये क्यों सोचा जा रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों की, स्वरूप सिंह जिला अध्यक्ष जिनके पास काफी एक्सपीरियंस भी है, ये लोगों का कहना है कि रहेगा एक्सप्रेस रहेगा, लेकिन हमारे रवसा से सब जीरो है, रवसा के सब जीरो है। और स्वरूप सिंह है, उन्होंने इतना संघर्ष किया है, जिला अध्यक्ष बने, उससे पहले भी विधानसभा में काफी एक्टिवेट रहे। उनका कहना ये है लोगों का कि रविंदर सिंह एक नए युवा है तो एक बाद में भी चुनाव लड़ सकते हैं, युवा को मौका देना जरूरी है ना। ये 15 लोग जाके जयपुर में डेरा डाल दिया कि उसकी टिकट काटो, टिकट किसी की कटाने नहीं चाहिए ना, खुद की टिकट की मांग करो। ये तो राजनीतिक है, राजनीतिक में सब अपनी बात, राजनीतिक में ही टाइम मिलता है हमारे को। अभी हमारे को ये कोहिनूर हीरा है, रविंदर सिंह भाटी को ज्यादा से ज्यादा मत डाल के हमारे को विजय बनाना है। हम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंदर सिंह तो आप क्या उम्मीद रखते हो रविंदर सिंह से, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं जो आपके ग्रामीण इलाके? खूब हमारी उम्मीद है कि धरातल पर जो काम होगा, बिजली विभाग, स्वास्थ्य के लिए जो भी काम होगा, धरातल पर हमारा बंदा पैदल चल के हमारे साथ काम करने जैसा है, हम उनके साथ हैं, जनता पूरी उनके साथ है। रविंद्र सिंह को ज्यादा से ज्यादा हम मत दिलाएंगे और 3 तारीख को हमने शपथ ले लिया, हमारी दिवाली 3 तारीख को होगी। रविंद्र सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज दीपावली का पर्व है और इनका कहना है कि हमारी दीपावली 3 तारीख को होगी, क्योंकि उस समय इलेक्शन का है, वो रिजल्ट आने वाला है 3 तारीख को। और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहन खान है भाई साहब। कौन सा गांव है आपका? गांव पुसर तहसील जो जिला बाड़ में, हम मेरासी समाज से है जी। साथी ठोक के कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह को वोट देना है सेव पर, बाकी बहुत नेता है, बहुत गए हैं, बहुत ही वादा किया है, ये बंदा जो कहेगा वही होगा और साथी ठोक के करेगा और टेबल तोड़ के करेगा। भाटी साहब संघर्ष करो, हमारे साथ है। वोट फॉर जो जोश देखने को मिल रहा है जो लोगों में, एक पैदा हो देखो, एक युवा पार्टी को देखो, कभी इतना हमने जोश नहीं देखा, कभी ऐसी पार्टी हमने नहीं देखी। जब रविंदर सिंह आया है दिल्ली तक पड़का पड़ने लग गए, देख सको आप। हम युवाओं की एक ही आवाज है, रविंदर भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए युवाओं में एक जोश है, रविंदर सिंह जहां भी नजर आते हैं उनके साथ एक बड़ा हुजूम नजर आता है। कल की अगर हम बात करें तो वो चोटन में थे जो कि उनके विधानसभा से बाहर है, चोटन एक खुद विधानसभा है, और वहां पर रविंदर सिंह के लिए ऐसा स्वागत देखने के लायक था। और काफी समर्थक है इनके, जो जहां भी रविंदर सिंह का नाम आता है तो वहां पर भीड़ होना लाजमी है।
साथ बाबूदान जी है। बाबूदान जी, क्या लगता है कौन जीत रहा है, आप किसके समर्थन में हो? भाटी साहब रहे, रविंद्र सिंह भाटी के। रविंद्र जी, क्या कारण है साथ में हो? आदमी देखे, क्या देख रहे हो रविंद्र सिंह भाटी में? ये तो ये नई धड़कन, नई धड़कन को देखो ना। रविंद्र सिंह बाद में भी चुनाव लड़ सकते हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि बाद में भी काफी मौका पड़ा है, पर अभी जिन्हें टिकट मिली है उनको एक बार मौका देना चाहिए। एक बार मैं तो आई हूं तो अब की बार तो दिया नहीं मौको, जिन्हें जीता हूं एक बार। अमीन खान खुद कह रहे हैं, जो कांग्रेस से यहाँ पर विधायक है वो खुद कह रहे हैं, अगर आपने वीडियो देखा हो, भी निर्दलीय को वोट नहीं देना, बीजेपी को दे दो। 20 साल दिन आ जाओ, 40 साल वोट दिन आ जाओ, अमीन खान की कुछ नहीं की। अमीन खान खुद कह रहा है कि आप मेरे को वोट ना दो तो बीजेपी को दे देना, निर्दलीय को मत देना। अच्छा, अगर रविंद्र सिंह जीतता है तो अब की बार टिकट कटेगी? तो हम की बार दिवाली 3 तारीख दिन मनाएंगे। अच्छा, और भी काफी लोग हैं, हम इनसे बुजुर्ग है, देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ने पोस्टर यहाँ पर पकड़ रखे हैं, रविंद्र सिंह के फैन है यहाँ पर काफी। हम देखेंगे तो रविंद्र सिंह के फैन हमें काफी जगह देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर हम वीडियो देखने की कोशिश करते हैं तो काफी बड़ी संख्या में रविंद्र सिंह के फैन जो है हमें नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो पोस्टर पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? आशू सिंह। ये किसके पोस्टर पकड़े हैं आपने? रविंद्र सिंह। अच्छा, रविंद्र सिंह अभी क्या कर रहे हैं? एमएलए में चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सातवीं में। अच्छा, फैन हो रविंद्र सिंह के। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, इनसे भी पूछेंगे। फैन फॉलोइंग इतनी है कि सिर्फ नारे लग रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं पर बात हमारी सही से हो नहीं पा रही है। अच्छा, की नाम है बाप रो? तारनाथ जी हमारे साथ है। तारनाथ जी, कहो गाँव आप रो? लाल चार डाल गाँव। अच्छा, ये पोस्टर आप पकड़ के बैठे हो किसके है? रविंद्र सिंह का। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी। आप चुनाव में इन्हें जिताना चाहते हो, वोट इन्हें देना चाहते हो, क्यों देना चाहते हो, कारण क्या है? उनका टुकड़ा है जैसा की इतना साल दिया कांग्रेस ने, वो कोई सभ्यता मामला नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस को आपने दिए? हाँ जी, कोई सभ्यता नहीं किया। अभी भारतीय साहब बहुत सभ्यता करेगा, खान पीन सब सभ्यता करेगा। देखिए रविंद्र सिंह से एक विश्वास जुड़ा हुआ है इनका कि रविंद्र सिंह आखिर चुनाव जीतते हैं तो हमारे लिए कुछ जरूर करेंगे। कांग्रेस से इनका कहना है कि हमने काफी 40 साल कांग्रेस को वोट दी है पर अब एक और युवा है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। भाई सब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन चांद देवगा गांव में। अच्छा मदन जी, क्या लग रहा है, आपने रविंद्र सिंह के पोस्टर पकड़े हैं, काफी छोटे बच्चे भी है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है। हमारे बुजुर्ग भी 70 साल से वोट देते आ रहे हैं कांग्रेस को और बीजेपी को, और अपने ग्राम पंचायत में आप भी हमारे ग्राम पंचायत के हो, आपको पता है कितना काम अपने ग्राम पंचायत हुआ है, चाहे स्कूल से लेकर देवका स्कूल है वो भी 12वीं तक नहीं हुई, कांग्रेस का रहा था, अमीन खान को वोट दिए, राजपूत का अगर आप कहते हो कि राजपूत है तो हमने पहले जालम सिंह को भी यहाँ से वोट दे के जिताया, और अपने ये अभी रविंद्र सिंह है तो युवा नेता है, सभी युवा दिलों की धड़कन है इस बार, श्योर सभी से यही मांग है कि ज्यादा से ज्यादा रविंद्र सिंह भाटी को वोट दे के विजय बनाए और सीयू से एमएलए बना के जयपुर भेजे। देखिए युवा यहाँ पर हर जगह देखेंगे तो यही चाहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को एक मौका मिलना चाहिए, एक युवा को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। वैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले बताया है कि जेएनयू में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और पहली बार जेएनयू में रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय जीत हासिल की थी। अब देखना यह है कि सीयू विधानसभा में निर्दलीय जीत पाते हैं रविंद्र सिंह भाटी। हेलो, बोल 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 ब